क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसे खुशहाल होगी आपकी जिंदगी, जानिए दिल्ली दर्पण टीवी के खास कार्यक्रम भविष्य दर्पण में। भविष्य दर्पण के प्रायोजक हैं टीटी गारमेंट्स, अच्छे लगे अच्छे दिखें, और ऑस्पेशियस कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, मैं आज आ गया हूँ दिल्ली दर्पण टीवी के खास कार्यक्रम भविष्य दर्पण में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम इस कार्यक्रम में बताते हैं इस सप्ताह आपका कैसा रहेगा राशि, किस तरीके से आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका ये सप्ताह और आने वाला जीवन अच्छा हो। और इस बार हम आपको बताएंगे हर राशि के लिए नौकरी व्यापार के लिए किस दिशा में जाना उचित रहता है या क्या प्रयास करने चाहिए जिससे आपका नौकरी या व्यवसाय उन्नति करे। और हम बताते हैं मेष राशि के जातकों के बारे में। राशि जातक मानसिक रूप से सुदृढ़ रहेंगे, अहंकार का लेकिन त्याग करें। आपकी दिनचर्या काफी व्यस्त रह सकती है, आप स्वयं पर भी धन खर्च करेंगे। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान में वृद्धि होगी लेकिन विवादों में ना उलझे, इस दौरान पूर्व में किए गए प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी। प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह अच्छा है, छोटी मोटी तकरारों के अलावा प्रेम संबंध मजबूत और भरपूर रहेंगे, रिश्तों में मजबूती आएगी। और मेष राशि के जातक व्यापार एवं नौकरी के लिए पूर्व दिशा में पूर्व दक्षिण दिशा में जाएं तो उचित रहेगा। बेहतर ढंग से कार्य और व्यवसाय करने के लिए लाल रंग के वस्त्र, मसूर की दाल दान करें, शीघ्र सफलता प्राप्त होगी। और अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के बारे में। इस सप्ताह स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी आ सकती है, अनचाही यात्रा, बेवजह खर्चे, बीमारी, कोर्ट केस उलझने परेशानी आ सकती है। इसी से आपके निर्णय लेने की क्षमता भी भावित हो सकती है। कार्य क्षेत्र में उठा पटक भी देखने को मिलेगी, पारिवारिक जीवन शांतिपूर्वक रहेगा, सरकारी कामों में लाभ मिलने की संभावना है। इस सप्ताह वैवाहिक जातकों की चिंता बढ़ सकती है, जीवन साथी से विवाद की संभावना बन रही है, इसलिए थोड़ा संभल कर रहें। जीवन साथी अपने घर वालों से मिलने की ध्यान रख सकता है। और वृष राशि के जातक नौकरी पेशा करने के लिए पश्चिम दिशा में जाएं तो ये विशेष सफलता प्राप्त होगी। व्यापार मामले में सफलता प्राप्त करने के लिए इन्हें कीमती धातु पर्वतों को व्यवसाय की तरफ आकर्षित होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सफेद वस्त्रों का धारण किया करें, इससे आपको सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। और अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में। इस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों की आमदनी में वृद्धि, धन लाभ वृद्धि, कार्य में सफलता, अधिकारों में वृद्धि की संभावना बन रही है, ट्रांसफर होने की भी संभावनाएं ध्यान रखें। विशेषकर मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वालों के लिए यह सप्ताह काफ़ी अच्छा रहेगा। जातकों को काफ़ी लाभ होने की संभावना है जो MNC से जुड़े हुए हैं। पारिवारिक जीवन आनंद में रहेगा, पिता को भी बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। वैवाहिक जीवन जरूर चुनौतीपूर्ण है, विवादों की स्थिति बन सकती है, इससे बचने की हमेशा कोशिश करें। और मिथुन जाति के राशक जातक अपनी नौकरी पेशा के लिए पूर्व दिशा में जाएं तो इन्हें अधिक सफलता प्राप्त होगी। बुधवार को प्रातः गाय को हरा चारा दें और किताबें किसी पढ़ने वाले बच्चे को दान करें, इन्हें व्यवसाय और नौकरी में कामयाबी मिलेगी। और अब हम बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में। कर्क राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार आपको ना होगा। घर अथवा वाहन खरीदने का योग बन रहा है, अपने बिजनेस को भी बढ़ाने के लिए आपको प्रयास करने होंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। धन और पूंजी लगानी पड़ सकती है लेकिन ना डराएं, सफलता मिलेगी। संतान को शारीरिक कष्ट होने की संभावना है, उनका ध्यान रखें।
प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह सामान्य रहेगा। आपके लिए आवश्यक रहेगा किसी वाद विवाद में ना पड़े। किसी सहकर्मी से प्रेम करते हैं तो यह समय आपके लिए बेहतरीन समय है। रिश्तों की अहमियत समझें और सोच समझ कर फैसला लें। और कर्क राशि के जातक अपने व्यवसाय नौकरी के लिए पश्चिम दिशा में जाएंगे तो अच्छी सफलता प्राप्त होगी और उच्च पद वो प्राप्त होंगे। आपको दुर्गा पूजा करनी चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, इससे आपके नौकरी और व्यापार में अतिरिक्त लाभ मिलेगा। और अब हम सिंह राशि के जातकों के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि के जातकों को लंबी यात्रा की संभावना बन रही है, कार्य क्षेत्र में ट्रांसफर की भी संभावना बन रही है। अपनी संतान का ध्यान रखें, उसे शारीरिक कष्ट हो सकता है। इस दौरान भाई बहनों से सहयोग मिलने की भी संभावना है। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। महिलाओं के प्रति आपको सम्मानजनक व्यवहार रखना ही पड़ेगा। प्रेम संबंधों के लिए जरूर समय चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान वाद विवाद की सब स्थिति बन रही है। प्यार बना रहेगा, लेकिन अधिक मिलने जुलने से बचे, वरना आप किसी विवाद में फंस सकते हैं। और सिंह राशि के जातकों को अपने नौकरी पेशा के लिए पश्चिम पूर्व दिशा में जाना आपको कामयाबी के लिए उचित रहेगा। और सूर्य को आराध्य देने से आपको मान सम्मान और धन लाभ होगा। और अब हम बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि के जातकों की शारीरिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है इस अवधि में अचानक हानि होने की भी संभावना नजर आ रही है। माता के स्वास्थ्य संबंधी हानि आपको पड़ सकती है। संतान भी थोड़ा परेशानी का कारण बन सकता है। अर्थात यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, सोच समझ कर चलना चाहिए। लेकिन कार्य क्षेत्र में आपके तरक्की और घर की समस्याओं का असर कम होता हुआ नजर आ रहा है। प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह सामान्य रहेगा। जब जरूरत हो तभी मिले जुले, बिल्कुल स्पष्ट, जब जरूरत हो तभी मिले जुले, वरना किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। रिश्ते में कुछ समस्याओं की संभावना भी आ सकती है। इस राशि के जातक को पूर्व दिशा में जाकर अपने व्यवसाय या नौकरी के लिए प्रयास करने चाहिए, इससे इन्हें सफलता मिलेगी। और अपने व्यवसाय और नौकरी की सफलता के लिए इन्हें हरा वस्त्र अपने पहनने, अधिक से अधिक पहनने चाहिए, या हरा वस्त्र कोई ना कोई अपने साथ रखना चाहिए। इससे इनकी धन और व्यापार और नौकरी में मान सम्मान और पद में वृद्धि होगी। और अब हम बात करते हैं तुला राशि के जातकों के बारे में। तुला राशि के जातक अपनी कार्य व्यवस्था व्यस्तता के कारण परिवार को अधिक समय नहीं देख पाएंगे। खर्चों में भी बढ़ोतरी नजर आ रही है। किसी भी विवाद को बिना बात तूल ना दें, वरना आप परेशानी में पड़ सकते हैं। भाई बहनों से भी कुछ समस्या हो सकती है, उनसे भी कम से कम मिलें, कम से कम बात करें, जिससे विवाद की अवस्था ना बने। संतान पक्ष के लिए समय मिला जुला है, थोड़ा उनके स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। धन लाभ नजर आ रहा है, सामान्य धन लाभ की अवस्था नजर आ रही है। प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह मिला जुला रहेगा। एक और जहाँ रिश्तों में गहराई आएगी, वहाँ किसी बात को लेकर मनमुटाव भी हो सकता है। आप छोटी मोटी यात्राओं पर जा सकते हैं अपने जीवन साथी या प्रेमिका को लेकर, परंतु बेहतर यही होगा आप आपस में कड़वा ना बोलें। और इस राशि के स्वामी शुक्र है, और शुक्र पश्चिम दिशा में सफलता दिलाता है। अर्थात आप अपनी नौकरी और व्यवसाय के लिए पश्चिम दिशा की तरफ मुख करें तो आपको अधिक सफलता प्राप्त होगी। अधिक से अधिक काले और सफ़ेद वस्त्रों का उपयोग करें, और अपने वाहन का रंग अगर काला हो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा आपके व्यवसाय और नौकरी के लिए। और अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों की खर्चे में वृद्धि संभावना नजर आ रही है। हालांकि कोर्ट कचहरी से कोई जो मामला है उसमें भी आपकी जीत नजर आ रही है। कुछ समय के लिए मानसिक व्याकुलता बढ़ सकती है। अपने परिवार कुटुंब परिवार में तनाव आ सकता है। पारिवारिक जीवन सामान्य रहने की संभावना है। प्रॉपर्टी से लाभ होगा।
संतान भी आपकी काफ़ी सेवा सुख देगी। नौकरी व्यवसाय में किया गया परिश्रम रंग लाएगा और सरकारी कामों में भी आपको लाभ स्थिति नजर आ रही है। प्रेम संबंधों के लिए ये सप्ताह अनुकूल नहीं है। विवाद की स्थिति बन रही है, धैर्य से काम लें और बचने की कोशिश करें। और इस राशि के जातक दक्षिण दिशा में जाकर अपना व्यवसाय और नौकरी का तलाश करें, संभावनाओं को ढूंढें तो उन्हें कामयाबी मिलेगी। लाल वस्त्र का दान करें और हो सके तो अगर लाल गाय के दूध का सेवन करें तो नौकरी और व्यवसाय में काफ़ी सफलता प्राप्त होगी। और अब हम बात करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में। इस सप्ताह धनु राशि के जातकों का विचारों को लेकर दूसरों से विरोधाभास बनेगा, मन में व्याकुलता बढ़ेगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आ सकती हैं, लेकिन पारिवारिक जीवन आपका खुशहाल रहेगा। प्रॉपर्टी से भी लाभ होगा, संतान को भी बड़ी सफलता मिलेगी जिसमें संतान को बहुत खुशी महसूस होगी। कार्य क्षेत्र में तरक्की और उन्नति नजर आ रही है। वरिष्ठ अधिकारी आपसे खुश रहेंगे और सहयोग करेंगे। भाई बहन भी आपकी मदद कर सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए भी सप्ताह बहुत अच्छा है, आपके बीच प्यार बढ़ेगा। साथी के से कि इस दौरान कुछ अहंकार का समय टकराव आ सकता है, इसलिए हो सके अहंकार ना करें और व्यर्थ के विवादों से बचें। इस राशि के जातकों को उत्तर दिशा में जाकर अपनी नौकरी और व्यवसाय की संभावना को तलाशना चाहिए, काफ़ी उन्नति प्राप्त होगी। धार्मिक पुस्तकों को इनको दान करना हमेशा अच्छा रहेगा, धन और व्यवसाय उन्नति के लिए। और अब हम बात करते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। इस सप्ताह दूर की यात्राओं का योग बन रहा है। सामान्य रूप से स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं। नया घर पर नए वाहन लेने की योजना बना सकते हैं। पारिवारिक जीवन आपके मनचाहे बातों को माने के लिए कामयाब रहेंगे। कार्य क्षेत्र के लिए बेहतरीन समय है, इस दौरान आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। आपके संतान सुख की प्राप्ति होगी, संतान से सुख की भी प्राप्ति हो सकती है। प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह सामान्य रहेगा। आप अपने प्रियतम को लेकर उसके घर जा सकते हैं और परिवार के अन्य लोगों से परिचय करा सकते हैं, इससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे। इस राशि के जातकों को पश्चिम दिशा में जाकर कार्य करने से और व्यवसाय करने और नौकरी ढूंढने में सफलता प्राप्त हो सकती है। लोहे के व्यापार करने वालों के लिए ये ऊंचाइयों की तरफ जा सकते हैं। काले वस्त्रों का दान करें, गरीबों को अन्न का दान करें, आपके व्यवसाय और नौकरी में उन्नति होगी। और अब हम कुंभ राशि के जातकों के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि के जातकों की आमदनी बढ़ेगी, पराक्रम में भी वृद्धि नजर आ रही है। स्वयं के प्रयासों से आपको लाभ मिलेगा, सरकारी पक्ष से भी मुनाफा नजर आ रहा है। हालांकि आपके संतान को कुछ शारीरिक कष्ट हो सकता है। कार्य क्षेत्र में सामान्य गति से आप प्रगति करेंगे, इस दौरान किसी वरिष्ठ अधिकारी से ना उलझें, परेशानी में आप पड़ सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण दिखाई दे रहा है, विवादों की प्रबल संभावना है, इसलिए थोड़ा धैर्य से काम लें और ज़्यादा मिलना जुलना ना करें। इस राशि के जातकों को पश्चिमी दिशा में जाकर अपने व्यवसाय और नौकरी को ढूंढना चाहिए, इसमें उन्हें सफलता प्राप्त होगी। हनुमान जी को लाल वस्त्र का दान दें, अर्पित करें और गरीबों को ऊनी वस्त्र का दान करें, आप अपने व्यवसाय और नौकरी में कामयाबी पाएंगे। और अब हम बात करते हैं मीन राशि के जातकों के बारे में। मीन राशि के जातकों के लिए जो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, बुद्धिमान होना अच्छा है परंतु स्वयं को सबसे अधिक बुद्धिमान समझना गलत होता है, इस बात को आप अपने अमल में लाएं। इस अवधि में धन संचय का योग बन रहा है, धैर्य से काम लें। वरिष्ठ अधिकारी गुप्त रूप से आपके कार्य पर नजर रखे हुए हैं, ध्यान रखें कहीं गलती ना करें। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, भाई बहनों से लाभ की संभावना भी नजर आ रही है। प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, इस दौरान किसी प्रकार के शक एक दूसरे के खिलाफ पनप सकता है। आपकी माताजी से आपके जीवन साथी का विवाद हो सकता है।
घर में अशांति का माहौल रह सकता है, इसलिए थोड़ा संयम से काम लें। इस राशि के जातकों को उत्तर राशि उत्तर दिशा में जाकर अपने व्यवसाय और नौकरी की संभावना को तलाशना अच्छा रहेगा। पीले वस्त्रों का धारण करें, धर्म की पुस्तकों का दान करें, आपको व्यवसाय और नौकरी में उन्नति प्राप्त होगी। और अब हम बात करते हैं टिप ऑफ द वीक की। देखा गया है बहुत से जातक बहुत परिश्रम करने के बाद भी कामयाबी नहीं पाते, मंजिल में पहुंचते पहुंचते ही उनके कार्य बिगड़ जाते हैं, मिलती सफलता भी सफल नहीं हो पाते। तो इसमें अधिकतर ये देखा गया है कि ऐसे लोगों को पितृदोष होता है। अब पितृदोष के लिए प्रभाव कम करने के लिए जातक को अपने घर की दक्षिण दीवार पर किसी अपने स्वर्गीय परिजन का फोटो लगाना चाहिए, उसे हार चढ़ाकर रोजाना उसकी पूजा स्तुति करनी चाहिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। ऐसा करने से आपके पितृदोष कम होगा और आपको जो रुकावटें सफलता में रुकावटें आ रही हैं वो रुकावटें दूर होगी। और ये था इस सप्ताह का राशिफल। आपको अगर कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई परेशानी आपको आ रही है, विवाह में परेशानी आ रही है, संतान संबंधी, व्यवसाय संबंधी या नौकरी संबंधी कोई परेशानी आ रही है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर किसी को अपना कुंडली बनवानी है, अपना वर्षफल बनवाना है या पूरे जीवन काल कैसा रहेगा इसका बारे में बात करनी है, तो भी नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। क्या कहते हैं आपकी सितारे, कैसे खुशहाल होगी आपकी जिंदगी, जानिए दिल्ली दर्पण टीवी के खास कार्यक्रम भविष्य दर्पण में।